चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बीती रात 9 मील के पास एचआरटीसी की चलती बस पर पहाड़ी से एक चट्टान आकर टकरा गई। गनीमत यह रही कि इस चट्टान का एक कोना बस के अगले हिस्से से टकराया। यदि यह चट्टान पूरी बस पर गिर जाती तो बहुत बड़ा हादसा हो जाता। इस हादसे में बस में सवार 2 से 3 सवारियों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार केलांग डिपो की यह बस मनाली से शिमला जा रही थी। रात करीब 11:30 बजे जब यह बस 9 मील के पास पहुंची तो उस समय भारी बारिश हो रही थी। 9 मील के पास पहले ही स्लाइडिंग पॉइंट है, जिस कारण यहां ऐसे हादसे होते रहते हैं। जैसे ही बस इस स्लाइडिंग पॉइंट के पास पहुंची तो पहाड़ी से एक बहुत बड़ी चट्टान नीचे लुढ़कती हुई आई और उसका एक कोना बस के अगले हिस्से से जा टकराया। हादसे के समय बस में काफी सवारियां मौजूद थीं, जिसमें से आगे की तरफ बैठे 2 से 3 यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं। इन सभी को प्राथमिक उपचार के बाद निगम की दूसरी बस के माध्यम से रात को ही शिमला भेज दिया गया है। इस कारण यहां रात को करीब 1 घंटे तक हाईवे बाधित रहा, लेकिन उसे रात को ही बहाल कर दिया गया था।